हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रुखसार किचन रेसिपी। आज हम बनाएंगे वेज सैंडविच। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ मैंने चटनी बनाने के लिए कुछ सामान लिया है जो कि स्प्रेड होएगी हमारे सैंडविच पे, यानी कि ब्रेड पे हम स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है पुदीना, धनिया, लहसुन, ज़ीरा और नमक, इसको हम पीस लेंगे। और यहाँ पर मैंने जो है ये मैंने किसान की फ्रेश टोमेटो केचप ली है, ओतकर की मेयोनीज ली है और बोन का होल व्हीट ब्रेड लिया है। ये रहा ये व्हीट ब्रेड है। और यहाँ मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं जो कि मैंने लिए हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स कटे हुए, ये मैंने अनियन ली है, ये मैंने लच्छेदार काट कर और वॉश कर लिए नमक के पानी में, और टोमेटो लिए और ककम्बर लिया है। और यहाँ ये मैंने चाट मसाला लिया है। और ये हमने ब्रेड ट्रे में निकाल लिए हैं और ये हम इनको स्प्रेड करेंगे। और ये मैंने चटनी भी यहाँ पीस ली है, ये मैंने सिल पे पीसी है क्योंकि सिल की पीसी हुई चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अब हम इनको जो है ब्रेड पर लगाएंगे। ब्रेड को हम इस तरीके से जो है अलग अलग रख लेंगे और हम सबसे पहले इस पर चटनी स्प्रेड करेंगे। यह देखिए मैंने चटनी जो है ये थोड़ी टाइट रखी है, वो मैंने इसलिए रखी है क्योंकि अगर हम इसमें थोड़ा पानी ही ऐड करते तो वो हमारे जो है ब्रेड में एब्जॉर्ब हो जाता, जिससे कि ब्रेड हमारे लूज़ पड़ जाते और वो टूटते। तो इस तरीके से हम चटनी को स्प्रेड कर लेंगे ब्रेड पे, सभी एजेस पे स्प्रेड कर लेंगे। ये मैं जो है सभी एक साथ बना देती हूँ। तो मैंने जो है ये बड़ी ट्रे में निकाल ली है सभी ब्रेड। इस तरीके से हम सभी ब्रेड पे ये चटनी स्प्रेड कर लेंगे। यहाँ हमने चटनी लगा ली है और हम इसमें मेयोनीज डालेंगे, मेयोनीज को भी स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। लगाएं, ये ना हो कि बीच बीच में ही लगाएं। सैंडविच में मेयोनीज का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है तो मेयोनीज ज़रूर ऐड करें। अब हम इसमें टोमेटो केचप लगाएंगे। यह देखें मैं पहले सभी एक एक करके सभी ब्रेड पे ये एक मतलब जो डालना है सभी चीज़ें मैं एक एक करके डाले जा रही हूँ, बाद में मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से करें, इससे जो है जल्दी बन जाएंगे हमारे सैंडविच। इस तरीके से आप स्प्रेड कर लें टोमेटो केचप भी। ध्यान रखें हमेशा सैंडविच बनाने के लिए जो हम ग्रीन चटनी यूज़ करते हैं वो होममेड ही होनी चाहिए, उससे ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और हम इस पे अनियन लगा देंगे। सैंडविच जो है अक्सर लोग मॉर्निंग या इवनिंग में बनाते हैं, ये जो है चाय के साथ काफ़ी अच्छा स्नैक रहता है। तो हम भी जो है इनको मॉर्निंग में टी के साथ लेते हैं। तो आप भी जो है इसको बना सकते हैं, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है और झटपट बन जाते हैं। और ये देखिए मैंने टोमेटो भी लगा दिया और अब हम ऊपर से जो है इसको ककम्बर भी लगा देंगे। इस तरीके से आप ककम्बर लगाएँ और कट करें, ये छोटे छोटे पीस में करेंगे तो वो जब हम खाते हैं तो टूट के गिरते हैं ज़्यादा ही। और ये हम ऊपर से चाट मसाला भी डाल देंगे। ये देखें हमने सभी जो भी इंग्रेडिएंट्स लगाने थे वो सब लगा दिए हैं। अब हम इनको कवर कर देंगे
जो हमने दूसरे पीस लिया था उनसे हम कवर कर देंगे। ये हमारे सैंडविच बनकर तैयार हैं। तो आपको अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।